नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा जब एक बार फिर से प्राची सभी लोगों को बताने जा रही है कि अगर प्रेगनेंसी रिपोर्ट मेरी चेक हो सकती है तो क्यों ना एक बार फिर से रिया की डीएनए टेस्ट भी हो जाए। जी हाँ, रिया की डीएनए टेस्ट के लिए अब पूरा घर जो कि इस चीज पर फंसा हुआ है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर बता दिया है प्राची ने कि सेठ और ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि ये मेरा और रणवीर का बच्चा है, क्योंकि मेरे ऊपर सवाल उठाए थे, अब एक बार चेक करा लीजिए रिया को, रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट टेस्ट कराइए और उसके बाद में डीएनए टेस्ट कराइए, जब देखिए कि रिया प्रेग्नेंट है या नहीं है और है तो वो किसके साथ में है। जी हाँ दोस्तों, इस समय प्राची को पूरी की पूरी सच्चाई पता लग चुकी है और प्राची कुछ भी करेगी लेकिन अब अपने ऊपर बात नहीं आने देगी, क्योंकि प्राची ने इस घर में रहते हुए बहुत कुछ सहन कर लिया है और प्राची अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्राची ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हो तो एक क्वेश्चन मार्क जो कि रिया के ऊपर क्यों नहीं हो सकता। और वाकई में दोस्तों, रिया के साथ में जो होने जा रहा है रिया को अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि रिया हर बार डॉक्टर को खरीद लेती है लेकिन दोस्तों इस बार पूरी फैमिली साथ रहने वाली है, जिसमें रिया की हर हरकत हर एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफ़ी ट्विस्ट भरा होने जा रहा है, जब आप लोग देख पाएंगे कि रिया पूरी चालाकी के साथ में अपना गेम तो खेलती है लेकिन उसका गेम पूरी तरीका से खिल नहीं पाएगा, क्योंकि आलिया भी अब उसका साथ नहीं दे पाएगी जिस तरीका से प्राची ने शर्त रखी है। प्राची ने साफ साफ खुले शब्दों में बोल दिया है कि रिया का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि उसका बच्चा किसका है और उसकी मैच करता है या मैच नहीं करता है। और इस वक्त जो कि प्राची के इस फैसले के साथ में रणबीर के फादर और दीदा भी खड़े नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनके फैसले के साथ में नज़र आने के बाद में आप लोग जानते हैं कि सीधा सीधा रिया होगी इस घर से बाहर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं आपको मेरी